अच्छा जी, दिस एडवाइस इज़ फॉर माय ओवरसीज क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। देखें, आजकल जिस तरह से एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, तो दे आस्क मी कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, अभी क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, और जो हमारी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका क्या स्टेटस है। तो फॉर माय ओवरसीज इन्वेस्टर्स, अभी आप लोगों को जो ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि थोड़ा सा वेट करें फिलहाल, बिकॉज हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो ज़रा स्टेबल हो जाए। रीज़न बीइंग कि अगर एक्सचेंज रेट फर्दर डेप्रिशिएट होता है तो उसमें आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स नुकसान होगा, एंड जो कि हम फोरसी कर सकते हैं इन द करेंट सिचुएशन के एक्सचेंज रेट हमारा फर्दर डेप्रिशिएट होगा। तो ऑल्दो अगर आप लोगों का माइंड है कि आप लोगों ने कोई बाइंग करनी है, तो महीना, एक से दो महीना थोड़ा सा होल्ड करें, वेट करें, मीनवाइल अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, प्राइस को एवेल्यूएट करें, कन्वर्जन करें कि आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितने की कॉस्टिंग आ रही है उसकी, एंड फिर अपना इन्फॉर्म डिसीजन लें वंस इस एक्सचेंज रेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। इन द गिवन सिनेरियो आप लोग अगर ले भी लेंगे, इवन दो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मार्केट से 10-15% आपको नीचे भी मिल रही होगी, सस्ती भी मिल रही होगी, बट स्टिल होगा ये कि एक्सचेंज रेट अगर 10-15% डिप्रिशिएट होता है तो वो आपका जो बेनिफिट था वो सारा का सारा एवरेज आउट हो जाएगा। विच इज़ वाई आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी आप चलें फिलहाल, एंड फिर इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है फॉर आर ओवरसीज क्लाइंटल, तो आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस। थैंक यू सो मच।